कैसे हो बेटा? अच्छे, आप कैसे हो? अभी बढ़िया बेटा। कैसी चल रही है तैयारी आपकी? अच्छी चल रही है। अभी जो मेंस अच्छा है 9th को। अच्छा तो अभी तो मेनली तुम एडवांस के लिए फोकस कर रही होगी। हाँ, अभी तो एडवांस ही, मेंस का तो अभी नहीं, वो तो हो गया। ओके। और एडवांस आपकी भाई की और पेपर वगैरह लगा रही हो? हाँ, एडवांस कभी भाई की, और वो पेपर लाइक होते रहते हैं, तो वो देखिए। तो एक्चुअली आज मैं तुमको कनेक्ट किया हूँ क्योंकि आईटी स्कूल एक ऐप है और आईटी स्कूल एक चैनल है जिसके थ्रू काफी बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं। तो उसमें आपको बताना है बच्चों को अपनी तैयारी के बारे में कि आप में आपने क्या ऐसा खास किया कि मतलब आप औरों से अलग रैंक आपका आया। आप ऑल इंडिया गर्ल्स टॉपर हैं तो बच्चों को आपको बताना है। तो आप बताइए कि आपने किस तरह से प्रिपरेशन की। पहले मैं जो नॉर्मल बैच थी उसमें थी, फिर बाद में हम पांच छह जनों का ग्रुप था, वो हमें अच्छे मार्क्स आ रहे थे, तो फिर हमें शिफ्ट किया गया। तो उसमें बीच में बहुत दिक्कत आई कि अब नहीं करना है, फिर से वापस जो नॉर्मल बैच है उसमें चले जाना है। और अब बहुत टफ होता था बीच बीच में। तो जैसे तुम्हारी जर्नी काफी खास है, मतलब मेरे लिए भी काफी मोटिवेटिंग है और बच्चों के लिए भी काफी मोटिवेटिंग होगा कि क्योंकि जब तुम आई थी तो मतलब सो कॉल्ड बहुत इंटेलेक्चुअल टाइप की जो मेंटालिटी होती थी क्योंकि तुमने उतना पढ़ाई नहीं किया था उस तरीके का। और उसके बाद से तुम आई थी तो तुम पहले उस 13-14 बच्चों के बैच में तुम पहले 10th पे थी, 8th पे थी, 6th पे थी, फिर फर्स्ट पे भी आई, काफी टाइम फर्स्ट पर आई। ठीक है, तो ये तुमने कैसे अपने आप को इम्प्रूव किया? क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट होता है। मैं समझ सकता हूँ कि एक बच्चा जो एक लोअर बैच से आ रहा है वो एक बहुत अच्छे बैच में आ करके और फिर अच्छा परफॉर्म करने लगे, ये बहुत मुश्किल बात होती है। तो तुमने इसको कैसे कोप अप किया, मतलब किस तरीके से इसको तुमने किया? स्टार्टिंग में जैसे आपने बताया कि 8th 9th वैसे आती थी, फिर कभी कभी डीमोटिवेट, मार्क्स कम होते थे, मार्क्स का गैप ज्यादा होता था, तो लगता था कि अच्छा, ये तो इन लोगों को तो बहुत ज्यादा आता है, मुझे तो कुछ नहीं आता वैसे। पर फिर करते रहे, जो भी सर बोलते रहे और जो भी मटेरियल दिया और जो भी पढ़ाई हुई वो रिवाइज करते रहे, और मटेरियल ज्यादा सॉल्व किया, तो फिर अच्छे मार्क्स आने लगे। तो हमें कंटिन्यू करना है, और थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी है। कभी कभी ऐसा लगेगा कि बहुत सारा काम है और अब ये नहीं हो रहा है, पर तब हमें छोड़ नहीं देना है, तब भी करते रहना है, तो अपने आप सब कुछ ठीक होता जाएगा। और अगर जैसे सब्जेक्ट वाइज बात किया जाए तो तुमने अपना प्रिपरेशन कैसे रखा? जैसे अगर मैं, चूंकि मैथ्स पढ़ाया हूँ तुमको, तो मैं पहले मैथ्स के बारे में बात करूंगा कि मैथमेटिक्स में तुमने क्या क्या किया। जैसे तुम्हारे मैथ्स में 100 परसेंटाइल हैं और मेरे ख्याल से तुम्हारा जेई मेंस में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 99.999 फिर 7 करके है, ऐसा ही कुछ है मेरे ख्याल से। 7 या 0 या 1 ऐसा कुछ है। हाँ अच्छा, मतलब 99.999 तो है ही। हाँ, और मैथ्स में तुम्हारा 100 परसेंटाइल है। तो तुम ये बताओ तुम्हारे मैथ्स का प्रिपरेशन कैसे रहा? तुमने ईयर लॉन्ग 2 साल मैथ्स कैसे प्रिपेयर किया, किस तरीके के क्वेश्चंस किए, बुक्स कैसे किए, टेस्ट कैसे दिए, क्लास में तुमको कैसा कराया जाता था, किस लेवल का कराया जाता था? तो प्लीज एक बार बच्चे को गाइड करो ताकि वो समझे कि किस लेवल का प्रिपरेशन करना चाहिए ताकि उनका रैंक एनहांस हो सके, बेटर हो सके। मैथ्स में तो सर ही थे, तो आप उन्होंने जब भी हमें पढ़ाना शुरू किया था, वो स्टार्टिंग के 2-3 चैप्टर्स आपने नहीं पढ़ाए थे, फिर आप ही थे हमें, तो तब नोट्स हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती थी और बहुत अच्छी भी होती थी। सर उसमें पहले बेसिक से लेकर फिर बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चंस होते थे, ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस होते थे, तो वो भी कराते थे, और उसमें मजा भी आता था कि अच्छा, नहीं हुआ तो भी जब सर हमें सर जब समझाएंगे कि वो कैसे करना है, तो वो अच्छा लगता था कि अच्छा, कुछ नया सीखने को मिला वैसे।
और फिर लाइक वैसे ही बहुत सारे चैलेंजिंग क्वेश्चन और बहुत सारे क्वेश्चन जिसमें बहुत अच्छा लॉजिक यूज होता है वो हमने नोट्स में लिखे हुए होते हैं, तो नोट्स तो बहुत अच्छे से रिवाइज करनी है। और लाइक नोट्स के सभी क्वेश्चन अगर उसके जैसा कोई सिमिलर क्वेश्चन आ जाए तो वो तो आना ही चाहिए। लाइक कभी कभी टेस्ट में भी हमें नहीं आता था तो सर याद दिलाते थे कि अच्छा ये हमने किया था नोट्स में, तो फिर हमें पता था अच्छा हमने ये रिविजन कम किया है और इसमें हमें थोड़ा वर्क करना चाहिए, तो फिर वो हमें हमारी वीकनेस पता चलती थी। बहुत सारे क्वेश्चन भी किए थे और सब लाइक अच्छे से सॉल्व करना है, किसी आंसर लाने के लिए करना है वैसे नहीं, पूरा मेथड से सॉल्व करना है। और बस वो सब किया तो मतलब होता गया। सर बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी भेजते थे और क्लास में भी अच्छे क्वेश्चन लाइक अलग से देते थे तो वो हम लिख लेते थे। हाँ मतलब ये काफी जरूरी चीज है कि आपको हार नहीं मानना है, मतलब बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जाएगा कि आपसे नहीं होगा या फिर आप उसे नहीं कर पाएंगे या आपको लगेगा कि अरे मतलब इस लेवल का भी क्वेश्चन यही में आता है, तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। और मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे ऑलमोस्ट 80-90% बच्चे इस चीज को मैनेज नहीं कर पाते हैं और इस कारण से उनका रैंक जो आना होता है, जिस तरह का रैंक आना होता है उस तरह का रैंक उनका दिखता नहीं है, क्योंकि हर बार बच्चे को लगता है कि वो थोड़ा सा आसान टाइप का क्वेश्चन करे। और आसान करे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आसान नहीं करे, लेकिन बेसिक से एक अच्छे लेवल तक जाए, एक एडवांस लेवल तक जाए। और जितना अच्छा क्वेश्चन करेगा, जितना बेटर क्वेश्चन करेगा, उसके थॉट प्रोसेस उतना ही अच्छा डेवलप होंगे। तो ये चीज तुम लोगों ने किया था, तुमने तो काफी अच्छे से किया था मुझे याद आता है। अच्छा जो पेपर होता है उसका एनालिसिस कितना इम्पोर्टेंट होता है एक बच्चे के उसमें, पेपर भी आप दे रहे हो उस पेपर का एनालिसिस करना कितना इम्पोर्टेंट होता है, और तुमने पेपर को कैसे एनालाइज करती थी? जो पेपर तुम्हारा होता था ऑलमोस्ट वीक में पेपर होता था, हर वीक पेपर होता था, क्विज होता था, उस पेपर का एनालिसिस तुम कैसे करती थी? मतलब जब भी पेपर खत्म हो जाता था तो हम लोग लाइक आंसर की मिल जाती थी तो हम लोग ऑलमोस्ट साथ में ही चेक कर लेते थे लाइक फ्रेंड्स और सब, तो फिर तभी हम डिस्कस भी थोड़ा थोड़ा कर लेते थे कि अच्छा इसमें क्या हुआ कि मुझे नहीं आया आंसर, शायद कैलकुलेशन मिस्टेक होती थी तो तभी पता चल जाती थी कि अच्छा इसमें मैंने यहाँ पे ये कैलकुलेशन मिस्टेक की है, तो वो वहाँ पे रेड पेन से सर्कल करके फिर वो लिख लेना कि ये मैंने यहाँ पे किया था, तो अब दूसरी बार ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर अगर कोई लॉजिकल क्वेश्चन लाइक अगर कोई क्वेश्चन में लॉजिक ही ना समझ में आया हो तो उससे डरना नहीं है कि अच्छा मैं तो ये छोड़ दूंगी, मुझे नहीं आता तो मुझे नहीं सीखना है, वैसा कभी नहीं आएगा। सर से पूछना है और डाउट क्लियर करवाने हैं कि अच्छा ऐसे इसे कैसे करना है वैसे, तो वैसे दो ही लाइक ऑलमोस्ट दो ही टाइप की मिस्टेक्स होती है, एक तो कैलकुलेशन मिस्टेक होती है या फिर कोई सिली मिस्टेक होती है या फिर कोई कंसेप्चुअल मिस्टेक होती है, तो कंसेप्चुअल मिस्टेक सर से पूछ लेनी है। और सिली मिस्टेक मतलब उसे सिली कहेंगे तो फिर दूसरी बार ध्यान में नहीं रहेगी, तो फिर उसे कैलकुलेशन मिस्टेक जो भी होती है वो ध्यान में रखना है, लाइक होगी पर कम करने की कोशिश करनी है। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम बच्चे फेस करते हैं वो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक, तो चलो ठीक है कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक एक ऐसी चीज है जिसको आप पढ़ करके इरेडिकेट कर सकते हो, हटा सकते हो, लेकिन ये शब्द है सिली मिस्टेक, ये सुन जितना इसका नाम सिली है ना ये इतना ही बड़ा पहाड़ बनता है और किसी बच्चे का रैंक को बहुत अच्छे से नीचे गिराने का काम करने लगता है। तो ये जो सिली मिस्टेक है टाइम बाय टाइम पे क्या मतलब कम तुमने कैसे किया, मतलब ऑब्वियस सी बात है जब तुम पहले आई होगी तो सिली मिस्टेक ज्यादा होते होंगे, वो सिली मिस्टेक कैसे कम किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना बच्चों का सिली मिस्टेक का एक बहुत बड़ा पंगा है, बच्चों को हमेशा सिली मिस्टेक ऐसे लगता है कि वो बड़ा कैजुअल वे में ले लेते हैं और बोल देते हैं कि सिली मिस्टेक है, बट एक्चुअली में वो सिली मिस्टेक नहीं, वो बहुत बड़ा मिस्टेक है और वो पेपर में अपना नंबर आधा नंबर तो वैसे ही कम बता देते हैं कि हमने सिली मिस्टेक किया है और उसको ना बहुत फॉर ग्रांटेड लेकर के चलते हैं, तो तुमने इस चीज को कैसे देखा? मतलब मेरी भी स्टार्टिंग में तो बहुत सारी कैलकुलेशन मिस्टेक्स होती थी, फिर जब भी लाइक मतलब पेपर में जाती थी तो मुझे मोस्टली 2 का फैक्टर कहीं पे भी मिस हो जाता था, तो जब भी पेपर देना चाहती थी तो मैं लाइक दिमाग में रखती थी कि अच्छा मुझे
मल्टीप्लीकेशन में मिस्टेक हो रही है या एडिशन में मिस्टेक हो रही है, तो वैसे दिमाग में रखना चाहिए। और लाइक ज्यादा पेपर जैसे देना चालू करोगे तो वो मिस्टेक्स अपने आप कम होती जाएगी। स्टार्टिंग में बहुत सारी होती थी, लाइक अभी जब पढ़ रहे हो 11th 12th में, फिर 12th में एंडिंग में जब मेन आया तब हमने बहुत सारे पेपर दिए तो तब कम होने लगी। लाइक पर पेपर एक दो शायद होती थी, उससे ज्यादा तो नहीं होती थी मतलब। और मतलब फिर फाइनल में तो हटाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि आप ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और पेपर ज्यादा से ज्यादा दीजिए। एग्जाम के एनवायरनमेंट में पेपर होना चाहिए, ये मुझे लगता है काफी इम्पोर्टेंट है सिली मिस्टेक को हटाने के लिए, है ना। और मेरे ख्याल से वो सारा काम आप लोगों ने बहुत अच्छे से किया था ताकि आपका सिली मिस्टेक कम हो सके। जेई मेन्स के पहले जो टाइम होता है, इसे बफर टाइम तुम कह सकते हो, जो एक दो महीने पहले का टाइम होता है, मान लो जनवरी में जेई मेन्स है या फेब में, तो आपके पास जो टाइम होता है दिसंबर नवंबर, इसमें तुम्हारा क्या प्रिपरेशन था, इसमें तुमने क्या किया था? दिसंबर स्टार्टिंग तक तो हमने लाइक पूरा सिलेबस पहले रिवाइज कर लिया था, पूरा का पूरा, लाइक जनवरी मेन्स के क्वेश्चंस भी किए थे। फिर दिसंबर में हमें वीकली ऑलमोस्ट 4 to 5 जितनी टेस्ट होती थी तो वो टेस्ट देते थे। और फिर केमिस्ट्री, लाइक उसमें रटना का पोर्शन ज्यादा होता है। फिजिक्स मैथ्स तो अगर तुम्हें कंसेप्ट आता है तो तुम कर लोगे, लाइक उसमें प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत, केमिस्ट्री में पढ़ने की ज्यादा जरूरत होती है। और केमिस्ट्री में लाइक एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो एनसीईआरटी में लाइक सब कुछ तो याद नहीं रहता था। तो फिर एंडिंग में तो केमिस्ट्री किया है ज्यादा, और ज्यादा पेपर्स दिए थे। अच्छा, दूसरी चीज ये कि तुम रेगुलर बेसिस पे कितने आवर्स पढ़ती थी और होमवर्क कैसे मिलता था, कितना मिलता था, और होमवर्क का लेवल कैसे हुआ करता था मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, और कितने घंटे तुम डिवोट करती थी, रिलीजियसली तुम फॉलो करती थी उस चीज को। और मुझे याद आता है कि तुमने 2 साल, मुझे बहुत बार ये चीज पता है तुम्हारे बारे में कि 2 साल में तुम बहुत कम, मतलब अपने रिलेटिव्स के यहाँ चाहे इस टाइप गई हो, क्योंकि बहुत बार मुझे ऐसा लगा है कि तुम नहीं गई हो इस टाइप से, तो तुमने क्या मतलब शेड्यूल फॉलो किया है इसके लिए? सुबह तो कोचिंग होता था तो वो लाइक 5 and a half hours जितना हो जाता था। फिर आके घर पे मैं 7 to 7 and a half hours जितना पढ़ती थी, लाइक ऑन एन एवरेज। कभी कम भी हो जाता था, लाइक कोई दूसरा काम आ गया हो या फिर, और कभी ज्यादा भी हो जाता है कि कुछ बाकी रह गया हो या फिर ज्यादा होमवर्क किया हो तो, या फिर कोई रिवीजन बाकी रह गया हो 2 दिन पहले जो तुमने रिवाइज नहीं किया वो भी रिवाइज हो जाए। और फिर लाइक होमवर्क की बात करें तो हमें डेली ऑलमोस्ट पर सब्जेक्ट 30 questions ऑन एन एवरेज मिलते थे। लाइक केमिस्ट्री में अगर ऑर्गेनिक हो तो ज्यादा क्वेश्चन मिलते थे। कभी अगर लाइक क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल ज्यादा हो कि अच्छा पता ही है कि इसमें पर क्वेश्चन 5-7 minutes तो लगेगी, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कम होते थे, पर ऑन एन एवरेज 30 questions मिलते थे। और लाइक बाहर जाने का, जैसे सर ने बोला, मैं आई थिंक एक बार गई होगी, मुझे याद नहीं है, पर लाइक अगर जाना हो तो अपनी स्टडीज को कंपेंसेट करके नहीं जाना है कि अच्छा मैं ये कल पढ़ लूंगी और अभी मैं चली जाती हूँ। अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारा फ्री टाइम है और तुम मैनेज कर लोगे, लाइक सब कुछ काम हो गया, तो तुम जा सकते हो 1-2 घंटे रिलैक्स करने के लिए। पर फिर वो हैबिट भी नहीं बना देती है, लाइक बना लेनी है, क्योंकि वैसे फंक्शंस तो बहुत ज्यादा आज आएंगे और फिर अगर तुम हर फंक्शन में जाओगे तो फिर वो तो मैनेज नहीं हो पाएगा। एकदम सही बात है। वैसे मैं बता दूं सबको कि शी इज आल्सो क्वालिफाइड फॉर आई थिंक सो इंडियन नेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। RMO क्वालिफाइड थी तुम, और इंटरनेशनल के लिए कॉल, मतलब इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड के लिए, मतलब वो कैंप होता है ना IMOTC, वो कैंप में, कैंप के लिए आया था, फिर कैंप में तो नहीं गई। अच्छा, बस ये लास्ट एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ बच्चों के लिए, तुम जो पेपर करने का स्ट्रेटजी है जेई मेंस का या जेई एडवांस का, वो क्या तुम रखती हो इन जनरल? पेपर, जब पेपर मिलता है तो उसके बाद तुम्हारा क्या क्या सोचती हो, किस तरीके से पेपर सॉल्व करती हो? मेंस में तो पहला लाइक थोड़ा इजी होता है, तो पहले मैं फिजिक्स लेती हूँ और केमिस्ट्री दोनों खत्म ही कर देती हूँ, और वो मोस्टली लाइक मैथ्स टू मैथ्स 1.5 hours।
होता है, नॉर्मली 1 आवर में खत्म हो जाता है, पर कभी कभी अगर पेपर लाइक टफ हो या ऐसा कुछ हो थोड़ा, तो 1.5 आवर होता है. और फिर मैथ्स के लिए भी लाइक 1.5 आवर जितना बचता है तो वो इनफ होता है मेंस का मैथ्स, मेंस के मैथ्स के लिए. और लाइक कभी कभी ऐसा भी आएगा कि फिजिक्स में 2-3 क्वेश्चन ऐसे लाइन में नहीं हो गए और लाइक घबराट आ लाइक तुम घबरा जाओगे कि अच्छा फिजिक्स में नहीं हो रहा है, तो दूसरे दोनों भी शायद डिफिकल्ट हो. पर लाइक तो तब मैं फिजिक्स छोड़ देती थी, लाइक फिजिक्स बाद में करूंगी वैसे, तो फिर कोई और सब्जेक्ट ले लेने का. लाइक अगर तुम उसमें ही अगर कोई क्वेश्चन का आंसर ना आ रहा 2-3 क्वेश्चन और उसमें ही तुम टाइम पूरा डाल दोगे तो वो फिर बाद में टाइम कम पड़ेगा. और फिर मैथ्स में जल्दी करने जाओगे तो फिर गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे. और एडवांस में तो लाइक केमिस्ट्री भी कैलकुलेटिव थोड़ा आता है, तो फिर उसमें तो पहले फिजिक्स करना है, फिर बीच में मैथ्स करती हूँ और फिर एंडिंग में केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री में टाइम भी थोड़ा ज्यादा मिल जाता है एडवांस में. हाँ, और हमें और एडवांस में बहुत बार ऐसा होता है कि जरूरी नहीं है कि आपको सब कुछ आए. मेंस में एक प्रेशर रहता है कि मतलब आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर करो, आपको लगभग सारा आता होगा. लेकिन एडवांस में ऐसा होता है कि 60-70-75% भी अगर आप स्कोर करते हो तो इंडिया के मतलब टॉप 100 रैंक में आप आ सकते हो बहुत आराम से. तो ये मेरे ख्याल से तुम लोगों का सोचना होता होगा जहां तक मुझे पता है. चलो दिव्या, बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक तुम्हारे एडवांस के एग्जाम के लिए. ठीक है ना, मेंस तो नहीं कहूंगा, मेंस तो तुमने बहुत अच्छा कर ही लिया है और मुझे पूरा उम्मीद है कि तुम्हारा काफी अच्छा रैंक आएगा, टॉप 50 में आना चाहिए ऐसा मेरा सोचना है. बाकी तो देखो रिजल्ट क्या होता है. ठीक है, और बहुत कुछ बच्चों को सीखने को मिला होगा तुम्हारे सोच क्या, किस तरह से तुम पेपर देती हो, कैसे तुम पढ़ाई करती हो, कैसे तुमने रैंक अचीव किया है, ये ऑल इंडिया गर्ल्स टॉपर तुम कैसे बनी हो, तो ये सारी चीजों से बहुत कुछ बच्चों को सीखने को मिला होगा. ठीक है, फिर ठीक है, फिर बात करते हैं ना, और अपने पढ़ाई पे फोकस करो ना. चलो ओके ओके, गुड, थैंक यू सर.